गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास एडुनेत विशाहवास। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एजुकेशनल थाट्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एजुकेशनल थाट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बी एड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फिलोसॉफिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन से है। इसको हम एम सी क्यू बेस पर पढ़ेंगे। ये बी एड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, ये साथ ही साथ यू पी टेट, सी टेट और पीजीटी एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी 1861 में जो है इनकी बर्थ हुई थी, कहाँ पर? कोलकाता में। और 1941 को इनकी डेथ हुई थी। इन्हीं ने 1901 में, पूछा जाए, शांति निकेतन स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट 1901 में इन्हीं ने किया था। कहाँ पर? बोलपुर में। बोलपुर जगह थी कोलकाता में, तो बोलपुर में इन्हीं ने शांति निकेतन स्कूल को इस्टेब्लिश किया था। अब यही स्कूल जो बनाया था, ये बेसिकली एक आश्रम था और यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन देते थे। बाद में इन्हीं ने विश्व भारती, इसी के अंडर जो है इन्हीं ने विश्व भारती बनाया। कब? 1922 में, जो बाद में जाकर विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी। कब? 1951 में। और ये यूनिवर्सिटी जो थी, आज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये एक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1901 में शांति निकेतन स्कूल, 1922 में विश्व भारती और 1951 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिकग्निशन मिल गया था। अब इनके एजुकेशनल थॉट्स के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर जी की हम एजुकेशनल थॉट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते थे, यानी जो भी इनका एजुकेशन था उसमें इनका कहना था कि फिजिकल, मेंटल, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है होना चाहिए जो एजुकेशन हम दे रहे हैं। फ्रीडम ऑफ माइंड एंड सोल, तो इनका कहना था एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे माइंड और सोल फ्री हो जाए। फ्रीडम यानी वो स्वतंत्र रूप हो जाए, फ्री हो जाए। फिर इन्होंने कहा था एजुकेशन ऐसी हो जो सोशल डेवलपमेंट कर सके। फिर करिकुलम की बात करी इन्होंने, इनका कहना था कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी अपने अंदर जो छुपी हुई है, जो पोटेंशियल है, जो शक्तियाँ हैं, उसको बाहर निकाल सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो सेल्फ एक्सप्रेशन करिकुलम की बात करते थे। मेथड ऑफ टीचिंग की अगर बात करें तो ये एक्सकर्शन मेथड पर ज़्यादा ये जोर देते थे, और एक्टिविटी मेथड, डिस्कशन मेथड एंड क्वेश्चन आंसर मेथड पर ये फोकस ज़्यादा करते थे। एक्सकर्शन मेथड पर ये ज़्यादा फोकस करते थे, कहते थे कि जो भी सीखें हम एक्सकर्शन के थ्रू ही सीखें। फिर डिसिप्लिन की अगर बात कर लें तो इन्हीं का कहना था ये किसी तरह की जो है फिज़िकल जो है पनिशमेंट के अगेंस्ट थे। इनका कहना था जो भी डिसिप्लिन होना चाहिए वो सेल्फ़ डिसिप्लिन होना चाहिए। और ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात करते थे, इनके एजुकेशन जो थॉट्स थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो 1913, ये डेट भी पूछी जाती है कब, 1913 में, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड थे उनके एजुकेशन। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।